हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बहुत कुछ खास होने वाला है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर ट्रे में मैंने लोबिया रख दिया है और लोबिया के साथ मैंने ये चपाती रख दी है। तो अगर आप किसी को भी इस तरह से देंगे तो वो इतना इंटरेस्ट से नहीं खाएंगे और उनको ये इतना टेस्टी नहीं लगेगा। लेकिन आज हम इन दो इंग्रेडिएंट से कुछ ऐसी नई चीज़ बनाने वाले हैं जिसे सभी बहुत चाव से खाएंगे और सबको बहुत ही पसंद आएगी। तो देखते जाइए, आज की वीडियो में बहुत कुछ खास होने वाला है और आपको भी ये बहुत अच्छा लगेगा जब आप इसे बनाएंगे और किसी को खाने के लिए देंगे तो बहुत ही आपकी तारीफ़ करने वाले हैं कि लोबिया और चपाती से मिलकर के इतनी अच्छी भी डिश बन सकती है और ऐसी डिश आपने कभी बनाई नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई रख दी है, फ्लेम ऑन कर दिया है और यहाँ पर मैंने एक बड़ा चम्मच ऑयल डालकर एक चम्मच जीरा डाल दिया है और थोड़ा सा हींग डाल दिया है। एक पिंच के करीब मैंने यहाँ पर हींग डाल दिया है और अब मैं यहाँ पर एक बड़े साइज़ का प्याज बारीक काट करके डाल दूँगी। यहाँ पर ऑयल अच्छा सा गरम है तो बड़े साइज़ का एक प्याज को बारीक काट करके यहाँ पर मैंने डाल दिया है और अब इसे गोल्डन होने तक पकाऊंगी। और इसमें मैंने एक शिमला मिर्च को लंबे लंबे स्लाइसेस में काट करके डाल दिया है। अब इन दोनों को मीडियम फ्लेम पर गोल्डन होने तक पका लेंगे। जब इसमें अच्छा सा कलर आ जाएगा तब तक इसे हम पका लेंगे और जब तक ये पकता है तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो चपाती मैंने रखी थी उसे ग्राइंडर जार में डाल करके पीस लेंगे। उसका बारीक सा पाउडर हम तैयार कर लेंगे और इसके अलावा हम टमाटर के स्लाइसेस कट कर लेंगे और पनीर के स्लाइसेस कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वो जो मैंने चपाती रखी थी उसका चूरा बना दिया है। ग्राइंडिंग जार में इसे मैंने ग्राइंड कर लिया था और आप देख सकते हैं इस तरह से चूरा बनकर तैयार है और इसे भी मैंने इस कढ़ाई में डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, इसे हम चला लेंगे और इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। अगर हम इसे ज़्यादा पकाएंगे तो बहुत कड़क से हो जाएंगे। इसे हमें सॉफ्ट ही रखना है तो एक या दो मिनट तक इसे हम चला लेंगे और इसे चलाने के बाद इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं डालूँगी नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, चाट मसाला पाउडर और यहाँ पर आप काली मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से सारे मसाले डाल करके इसे दोबारा से मिक्स करते हुए चला लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे लोबिया। तो फ्रेंड्स, ये लोबिया को मैंने पहले से ही बॉईल करके रखा था। तो लोबिया को बनाने के लिए पहले आप लोबिया को 4 से 5 घंटे भिगो देंगे और उसके बाद प्रेशर कुकर में 3 विसल आने तक इसे उबाल लेंगे। और उबलने के बाद उसमें मैंने कुछ मसाला डाला था, नमक, लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर। तो इस तरह से लोबिया में भी आप अलग से थोड़ा सा मसाला डालकर तैयार करेंगे और वो लोबिया इसमें आप मिक्स कर देंगे। और उसके बाद मैंने टमाटर के पतले पतले स्लाइसेस कट कर लिए थे, इसे भी मैं इसमें मिक्स कर लूँगी। और फ्रेंड्स, इसका स्वाद बढ़ाने के लिए आप इसमें टमाटो केचप भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा चिली सॉस और इसके अलावा एक नींबू का रस, ये सब डाल देंगे तो इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। और फ्रेंड्स, अब मैं डालूँगी इसमें कुछ पनीर के स्लाइसेस और इसे भी इसमें मिक्स कर लूँगी। और फ्लेम को मुझे बिल्कुल लो रखना है। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखें, फ्लेम को आप लो रखेंगे, हाई फ्लेम पर जो रोटी का हमने चूरा किया था वो बहुत कड़क हो जाएगा और फिर उसका टेस्ट अच्छा नहीं बैठेगा, इसलिए ये सब हमें लो फ्लेम पे करना है और इसे अच्छे से पका लेंगे।
और अच्छे से पकने के बाद इसे एक प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे। और फ्रेंड्स, सर्व करते समय आप इसके ऊपर टमाटो केचप डाल सकते हैं, एक नींबू का रस भी डाल दीजिए, उससे इसका स्वाद बढ़ जाएगा। और इसके ऊपर आलू का जो बारीक सेव आता है, जिसे हम आलू भुजिया कहते हैं, वो भी आप इस पर डाल देंगे तो इसका स्वाद बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, सर्व करते समय इसके ऊपर आलू भुजिया डाल देंगे, एक नींबू का रस डाल देंगे, कटा हुआ प्याज और टमाटो सॉस, इस तरह से सारी चीज़ें डाल देंगे तो इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स, इस तरह से लोबिया और चपाती से बनी हुई ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप की डिश आप जिसे भी खिलाएंगे उन्हें बहुत पसंद आने वाली है, और कोई भी इसे आसानी से खा जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर बच्चे लोबिया नहीं खाते हैं तो आप उन्हें इस तरह से बना कर दें। लोबिया बहुत ही हेल्दी होती है और लोबिया में बहुत सारे पौष्टिक गुण होते हैं, तो इसलिए अगर बच्चे लोबिया नहीं खाते हैं तो आप इस तरह से उन्हें बना कर दीजिए, उन्हें ये बहुत ही पसंद आएगा। और बच्चों को टिफ़िन में भी आप ये दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ट्राई करिए ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप की डिश, और अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। आपको ये वैरायटी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और ऐसे ही आसान रेसिपीज़ के साथ मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।